क्यों आजकल आम्रपाली दुबे चिढ़ी हुई हैं पवन सिंह से? जी हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम्रपाली दुबे भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस में से हैं। कभी इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, आज ये दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। हाँ, ये बात और है कि अपने रिश्तों पर, यानी अपने बिगड़े रिश्तों पर ना आम्रपाली कुछ कहती हैं ना पवन सिंह कुछ कहते हैं, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया को लगातार फॉलो और बहुत नज़दीकी तौर पर देख रहे होते तो आपको बता दें कि इन दोनों ने काफ़ी लंबे अंतराल से एक दूसरे को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर दिया है। हाल ही में इसका सबूत इस बात से लगाया गया कि आम्रपाली दुबे ने कल ही एक रील, एक गाने की बनाई। गाने का नाम है तेरे मेरे दरमिया, जो कि खेसारी लाल यादव का है, लेकिन उससे एक दिन पहले रिलीज़ हुआ गाना, यानी कि 6 तारीख को जो गाना रिलीज़ हुआ था पवन सिंह का, उस पर कोई भी रील आम्रपाली दुबे ने नहीं बनाया। और यही नहीं, आम्रपाली दुबे लगातार भोजपुरी को प्रमोट करने के लिए कई भोजपुरी कलाकारों के गाने गाती रहती हैं, लेकिन एक लंबे समय से वो पवन के किसी भी गाने को परफॉर्म नहीं कर रही हैं और ना ही रील उस पर बना रही हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, लेकिन इन दोनों ने अपनी इस लड़ाई को जग जाहिर नहीं किया है। इसे बड़े ही सीक्रेट तरीके से रखा गया है। ना ही आम्रपाली पवन सिंह के लिए कुछ कहती है, ना ही पवन सिंह आम्रपाली के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कोई न कोई बात ऐसी ज़रूर हुई है कि कल के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे ये भोजपुरी इंडस्ट्री के, लेकिन आज इन दोनों की दोस्ती में दरार आ चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।